पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। हमको लगता है कि राहुल गांधी जी को कोई काम है नहीं, कोई मुद्दा है नहीं, तो इसीलिए वो आरक्षण के मामला को बात तुल पकड़ के चलने की बात करते हैं। 60 वर्ष तो वो ही रहे हैं, उनके ही सरकार रही है, उस समय आरक्षण की क्या स्थिति रही है। बाबा अम्बेडकर ने कहा था कि हर 10 वर्ष पर आरक्षण की समीक्षा की जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। आरक्षण का मुद्दा देश भर में तो उठाया ही जा रहा था, चाहे वो राज्य हो या पूरे देश की बात करें, आरक्षण का मुद्दा गर्म था। लेकिन जब से राहुल गांधी ने विदेश में भी जाकर आरक्षण के मुद्दे को छेड़ा है, तब से भारत में सियासत गर्मा गई है और केंद्रीय मंत्री और हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी राहुल गांधी पर भड़क गए हैं। जी हां, जीतन राम मांझी सीधे तौर पर अब राहुल गांधी को देशद्रोही कहते नजर आ रहे हैं। इस मामले को लेकर लगातार बयान तो दे ही रहे हैं, साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी राहुल गांधी को लेकर ये कहते नजर आ रहे हैं कि ये देशद्रोह का काम है, देश के बारे में बाहर जाकर विदेश में जाकर देश की बुराई करना सही नहीं है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी जीतन राम मांझी ने ट्वीट किया, उसमें जीतन राम मांझी लिखते नजर आए हैं कि कोई भी देशभक्त विदेशी धरती पर जाकर जनता की चुनी गई सरकार पर अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकता। राहुल गांधी जी का बयान एक देशद्रोही का बयान है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। रही बात आरक्षण की, तो नरेंद्र मोदी जी के रहते किसी राहुल गांधी की हैसियत नहीं है कि देश से आरक्षण खत्म कर दे। इस पूरे मामले को लेकर जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया पर तो ट्वीट किया ही है, साथ ही साथ बयान देते भी नजर आए हैं। क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुने। हमको लगता है कि राहुल गांधी जी को कोई काम है नहीं, कोई मुद्दा है नहीं, तो इसीलिए वो आरक्षण के मामला को बात तुल पकड़ के चलने की बात करते हैं। 60 वर्ष तो वो ही रहे हैं, उनके ही सरकार रही है, उस समय आरक्षण की क्या स्थिति रही है। बाबा अम्बेडकर ने कहा था कि हर 10 वर्ष पर आरक्षण की समीक्षा की जाए, 60 वर्ष में कम से कम 6 बार तो समीक्षा करना चाहिए था, तो एक बार वो किए नहीं, तो अब वो क्या कर रहे हैं। इधर जो भी करना होगा नरेंद्र मोदी जी करेंगे, वो चिंता न करें, और बाहर जा कर के अपनी बात वो कहते हैं, ये एंटी नेशनल बात वो करते हैं। मंडल आयोग देखिए, जब तक नरेंद्र मोदी जी हैं, एनडीए की सरकार है या इससे इतर भी कोई भी सरकार आवे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने ऐसा कील कांटा ठीक करके हमारा संविधान बनाया है और आरक्षण दिया है, इसको कोई माई का लाल छू नहीं सकता है। हटाने की बात तो अलग की बात है, और ये भी हम कहना चाहते हैं कि जो दूसरा लोग देश में बोलना चाहिए, पार्लियामेंट में बोलना चाहिए, लेकिन यहां न बोल करके दूसरे देशों में जाकर के बोलते हैं, तो निठाह उसको कह सकते हैं कि वो देशद्रोह का काम करते हैं। ऐसे को देशद्रोही घोषित करना चाहिए, ऐसे की सदस्यता लोकसभा का रद्द करने की कार्रवाई करनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी सीधे तौर पर अब राहुल गांधी को चुनौती दे रहे हैं। राहुल गांधी ने विदेश में जाकर जो भारत की सरकार को लेकर टिप्पणी की, आरक्षण को लेकर टिप्पणी की, उसके बाद से देश में सियासत गरमाई हुई है। एनडीए के नेता लगातार राहुल गांधी को घेरते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में जीतन राम मांझी का भी ये बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर राहुल गांधी को देशद्रोही कह दिया है। सीधे तौर पर यह कहा है कि ऐसे लोगों का जो सदस्यता है संसद की, वो रद्द कर देनी चाहिए। साथ ही साथ चुनौती देते हुए ये कहा है कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम की कुर्सी पर है, तब तक कोई माई का लाल देश से आरक्षण को खत्म नहीं कर सकता है। राहुल गांधी पर काफी अब भड़कते नजर आ रहे हैं जीतन राम मांझी। राहुल गांधी के बयान को लेकर लगातार राजनीति हो रही है, लगातार एनडीए के नेता उन्हें घेर रहे हैं, और अब सीधे तौर पर जीतन राम मांझी ने राहुल गांधी को चैलेंज किया है, उन्हें देशद्रोही तो कहा ही है, साथ ही साथ यहां तक कह डाला है कि उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। इस मामले को लेकर कांग्रेस की ओर से, राहुल गांधी की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है सामने, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।